पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ जिससे बर्बाद हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों ने मांगी भारत से मदद, अब हमें भारत ही बचा सकता है। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ के चलते पाकिस्तान में कंगाली आ गए हैं, तभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर अब दुख जताया है और स्थिति सामान्य होने की सांत्वना दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बर्बाद सब्जी का मार्केट हुआ है जिसमें बहुत महंगाई आ गई, जिससे सबसे ज़्यादा महंगाई टमाटर और प्याज के रेटों में देखी गई है, जिससे टमाटर के भाव में 200 से 250 रुपये और प्याज के भाव में 100 से 150 रुपये की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान 1.5 लाख टन प्याज और 50,000 टन टमाटर का कंज्यूम करता है। इन्हीं की पूर्ति करने के लिए पाकिस्तान के फ्रूट एवं सब्जी इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने पाकिस्तान की सरकार से अपील की है कि वह प्याज और टमाटर की पूर्ति के लिए भारत से इंपोर्ट करने की इजाज़त मांगी है, जिससे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अभी कोई जवाब ना देते हुए आस्था जताई है कि वही किया जाएगा जो पाकिस्तान के देश के हित में होगा। आपको बता दें कि अगस्त 2019 से जब से जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट गई थी तब से भारत पाकिस्तान का व्यापार बंद हो गया था। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।